So hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel Fistry with me. आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं टैक्स प्लानिंग की. जी हाँ, कंसेप्ट ऑफ टैक्स प्लानिंग. एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर जिसमें हम समझेंगे किस तरीके से हम टैक्स के लिए प्लान करते हैं, यानी कि किस तरीके से हम अरेंज करते हैं अपनी इनकम को, अपनी इन्वेस्टमेंट को और डिफरेंट चीजों को, ताकि हम जो जिस टैक्स के लिए हम लायबल हैं, अपनी टैक्स लायबिलिटी को जो हमें गवर्नमेंट को पे करना है उसको कम कर सके. और ये सारी चीजें विद इन द लॉ ऑफ बाउंड्रीज होती हैं, लीगल होती हैं, कंप्लाइंस में होती हैं. सो वी विल टॉक अबाउट दिस लेक्चर इन डिटेल थ्रू स्लाइड्स, बट बिफोर दैट इफ यू आर न्यू टू द चैनल सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द डेली अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन. ऑल्सो इफ यू हैव जॉइन माई टेलीग्राम ग्रुप येट, प्लीज जॉइन, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. Also, you can follow me on Instagram to have your doubts clear. Within 2 or 3 hours, I'll, reply you. So, please follow me on Instagram. Let's start. Okay, so without any delay, let's go into the slides and understand today's topic about what is tax planning. Okay, so let's try to understand the concept of tax planning. Tax planning kya hai? देखो, सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं टैक्स प्लानिंग क्या है. टैक्स प्लानिंग का मतलब है कि टैक्स के लिए प्लान करना. ओके, टैक्स के लिए प्लान करना मतलब जो आपको टैक्स पे करना है जितना हो सके हम उसको रिड्यूस कर सके, कम कर सके. दैट्स व्हाट टैक्स प्लानिंग इज. ऑफकोर्स वी नेम टैक्स, वी नो दिस कि हम टैक्स दे रहे हैं, गवर्नमेंट उसका यूटिलाइजेशन कर रही है इन बिल्डिंग different infrastructures or for various programs. Of course they are doing it, the government is doing it, but phir bhi as an individual hame apne lifestyle ko improve karna hai, apne way of living ko improve karna hai, to hum yahi chahenge na ki hum kam se kam tax se aur apni income ko boost up kar sake, financially aur stable ho sake, save kar sake cheeze. ऑफ कोर्स एज ए कंपनी भी हम प्रॉफिट ज़्यादा चाहेंगे तो वहाँ पर भी हम कोशिश करेंगे हम टैक्स को जितना हो सके एथिकली यूजिंग लॉफुल वेज हम उस टैक्स को कम कर सकें. एंड फॉर दैट वी यूजुअली डू दिस टैक्स प्लानिंग. तो टैक्स प्लानिंग का मतलब है कि हम अपने टैक्स के ये जो बर्डन है और ये जो टैक्स लाइबिलिटी है उसको कम कर सकें विद इन द बाउंड्स ऑफ लॉ. तो हम अपने फाइनेंशियल अफेयर्स को उसी तरीके से अरेंज करें. सो दैट्स व्हाट रिटन हियर इन द फर्स्ट पैरा. Tax planning means arranging your financial affairs in such a way. We are arranging our money, our income, whatever we are doing in such a way, our investments, our time, our purchases in such a way that we can minimize our tax liability. और इसके लिए हम different advocates रखते हैं. हम law की ही उसमें within the bounds of the law. We are not doing anything illegal, but within the bounds of law. हम टैक्स के लिए प्लान कर रहे हैं, हम अपनी लाइबिलिटी को टूवर्ड्स टैक्स पेइंग कम करना चाह रहे हैं. सो दैट्स व्हाट टैक्स प्लानिंग इज. इट रेफर्स टू अरेंजिंग द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग फाइनेंशियल अफेयर्स इन सच अ वे दैट यू मिनिमाइज योर टैक्स लाइबिलिटी विद इन द बाउंड्स ऑफ द लॉ. यू हैव टू कीप दिस इन माइंड दैट यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग इलीगल, माफ कीजिएगा, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग इलीगल एज लॉन्ग एज आप विद इन द बाउंड्स ऑफ द लॉ काम करो, विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द लॉ काम करो. सो इट्स अ लीगल एंड एथिकल प्रैक्टिस. कहीं ना कहीं जो एडवोकेट्स होते हैं वो कोशिश करते हैं लूप होल्स निकाले उनही लॉज में और उनका इस्तेमाल करके, और होता भी है ऐसा, हम इस टैक्स के बर्डन को कम कर सकें. सो बोथ कंपनीज एंड इंडिविजुअल्स दे फॉलो दिस टैक्स प्लानिंग एंड दिस इंक्लूड्स एनालिसिस ऑफ इनकम, इन्वेस्टमेंट्स, टाइम, परचेज, एंड दैट्स हाउ दे कैन प्लान फॉर इट. सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्स प्लानिंग एज वेल. There is one short-term tax planning. Basically, in short-term tax planning, what happens is we try to plan things at the end of the financial year, with immediate result in terms of tax saving. For example, last-minute investment करें कुछ tax saving instruments में, like for example PPF में, या fund जो tax saving fixed deposits होते हैं उनमें. सो वो शॉर्ट टर्म टैक्स प्लानिंग में आएगा. सिमिलरली अगर हम लॉन्ग टर्म व्यू को देख के करें तो मे बी हम रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं, इन्वेस्ट इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वहां पर आपको प्रीमियम में डिडक्शन मिलती है और वो टैक्स में छूट मिलती है. सो यू कैन प्लान शॉर्ट टर्म वाइज, यू कैन प्लान लॉन्ग टर्म वाइज. दैट्स वॉट इज
टैक्स प्लानिंग. ओके, यू कैन यूज डिफरेंट प्रोविजंस रिलेटेड टू टैक्स, उसमें लूप होल्स निकाल के आप कर सकते हो, दैट्स अगेन इज अ परमिसिव टैक्स प्लानिंग. ओके, जैसे जो टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सेक्शन 80C में है अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट. सो वहां पर डिफरेंट डिडक्शंस और प्रोविजंस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं. ओके, सो कहने का मतलब कि आप फाइनेंशियल अफेयर्स को इस तरीके से अरेंज कर रहे हो कि आप टैक्स लाइबिलिटी को मिनिमाइज कर सको. ओके, सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्स प्लानिंग इंक्लूड्स रिड्यूसिंग टैक्सेबल इनकम. दैट्स द फर्स्ट, यू नो, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग अबाउट टैक्स प्लानिंग, दैट वॉट वी वॉन्ट टू डू, वी वॉन्ट टू रिड्यूस आर टैक्सेबल इनकम. पर्पस ही इसका ये है, टैक्स प्लानिंग क्यों कर रहे हैं हम, अपनी टैक्सेबल इनकम को कम करने के लिए. और क्या रीजन हो सकता है, ये डिफरेंट चीजें हम क्यों कर रहे हैं, लूपहोल्स निकालने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, हम लॉ को क्यों पढ़ रहे हैं, हम इन फाइनेंशियल अफेयर्स को क्यों अरेंज कर रहे हैं, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द टैक्सेबल इनकम. सो दैट्स अ प्राइमरी फोकस ऑफ टैक्स प्लानिंग. अदर देन दैट, इन ऑर्डर टू रिड्यूस टैक्स लिटिगेशन और यू नो बूस्ट इन सेविंग्स, इन ऑर्डर टू इंक्रीज टैक्स एफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी, दीज आर ऑल यू नो आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्स प्लानिंग. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नाउ माई क्वेश्चन टू यू इज, वाई दिस टैक्स प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट. अगेन, जो भी हमने ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ा, यू कैन इंक्लूड दिस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑल्सो. अगर एग्जाम में आया कि वाई इज टैक्स प्लानिंग इम्पॉर्टेंट, क्यों इतनी जरूरी है टैक्स प्लानिंग. टैक्स प्लानिंग इसलिए जरूरी है, सबसे पहली चीज तो बिकॉज वी हैव टू मिनिमाइज आर टैक्स लाइबिलिटी. दैट्स अ बेसिक पर्पज ऑफ प्लानिंग फॉर टैक्स. वाई वी आर डूइंग दिस, इन ऑर्डर टू मिनिमाइज टैक्स लाइबिलिटी. Whatever the tax which is owed to us, in order to reduce that amount, we can effectively plan for it. Okay? And similarly, businesses also can do this to retain more of their incomes and profits. Also, we are doing this, one of the reason is to increase savings also. Like, agar aap tax outflows ko reduce kar doge, to overall savings, agar aap net saving dekhe, especially agar business ke point of view se dekhe, so isko aap reinvest kar sakte ho for financial growth. Okay? So again, it is used for increased savings also. Also, you have to ensure that you are following law, tax laws. So proper tax planning ensures that the individual, the businesses, you know, they comply with the tax regulation while taking the advantage. You are taking the advantage. Okay, there's nothing wrong in it. But at the same time, you have to make sure that you're within the legal boundaries, you know. You are working within the legal boundaries to reduce your tax burden. Okay. Let me give you an example of ye topic padhenge, how to save taxes. It's a simple topic. We just have to read it. So let me give you an example first of tax planning. Okay. So let's suppose koi yahan par tax payer hai. Let's suppose aapke chacha hain, tax pay kar rahe hain. Okay. Aur unki income jo hai wo achanak bahut badh gayi hai. To wo ekdam top wale slab mein aa gaye. ओके, टॉप वाले स्लैब में आ गए, मतलब अच्छा खासा उनको टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा. ओके, तो टॉप टैक्स ब्रैकेट में आ गए. तो अब वो टैक्स प्लानिंग के, तो अब देखना किस तरीके से वो टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं. उनको विद इन द बाउंड्रीज ऑफ लॉ रहना है, उनको इलीगल काम नहीं करना है आपके चाचा को. सो थ्रू टैक्स प्लानिंग वो क्या कर सकते हैं, वो रिटायरमेंट फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, विच you know allow contributions to be deducted from the taxable income, and therefore it can be the taxable income can be reduced. Again, what they can do, wo donations de sakte hain charities mein, so that can also offer tax deduction. Again, they can you know, one thing they can do is they can spread some of their income to, you know, to his spouse also, to his wife also. So chachi ko de sakte hain wo kuch income. क्यों? क्योंकि लेट्स सपोज चाची लोअर ब्रैकेट में होगी, लोअर टैक्स ब्रैकेट में होगी, तो ओवरऑल जो टैक्स रेट है वो रिड्यूस हो जाएगा. सो द टैक्स पेयर की जो फाइनल टैक्सेबल इनकम है वो रिड्यूस हो जाएगी. ओके, एंड यू नो, एंड दे फॉल इनटू अ लोअर टैक्स ब्रैकेट बाय पेइंग सिग्निफिकेंटली लेस टैक्स देन दे वुड हैव विदाउट एनी प्लानिंग. सो टैक्स प्लानिंग, ट्रस्ट मी गाइस, आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, लैडर में आगे बढ़ोगे, कॉर्पोरेट में आगे बढ़ोगे, बिजनेस में आगे बढ़ोगे, आप टैक्स पे करोगे. टैक्स प्लानिंग आपको उस समय पता चलेगा कि कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसकी होती है, कितनी सिग्निफिकेंट ये होती है. और लाइफ में आपको याद रखना है ये कि आपको टैक्स के लिए
प्लान तो करना ही करना है, ठीक है। टैक्स प्लानिंग इज रियली रियली इंपॉर्टेंट एट द टाइम, ये सारी लेक्चर्स आपको काम देंगे। नाउ हाउ टू सेव टैक्सेस, बेसिक ये कंसेप्ट है। सो अगर हम सेक्शन 80C की बात करें इंडिया के इनकम टैक्स एक्ट में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं, माफ कीजिएगा, बार बार इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बोल रहा हूँ। सेक्शन एक ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि बिजनेस लॉ की एक वीडियो मैंने बनाई थी, वन शॉर्ट वीडियो, उसमें बार बार इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलना पड़ रहा था। सो किसी को भी अगर उस वीडियो की ज़रूरत है तो वन शॉर्ट वीडियो जिसमें हमने बिजनेस लॉ के कंप्लीट लेक्चर्स की बात की है तो वो आप देख सकते हो, ठीक है, मिल जाएगी आपको चैनल में ही प्लेलिस्ट के सेक्शन में। सो सेक्शन 80C इन इंडियाज इनकम टैक्स एक्ट, उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट स्कीम्स बताई गई हैं लॉ की तरफ से ही, यू नो, इन ऑर्डर टू हेल्प सेव मनी। लाइक फॉर एग्जाम्पल वी हैव PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, और कुछ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स भी हैं, तो उसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, उनका इस्तेमाल कर सकते हो और मनी सेव कर सकते हो, अपनी टैक्सेबल इनकम को कम कर सकते हो। देन अगेन 80D सेक्शन की अगर हम बात करें ऑफ इनकम ऑफ इंडिया इनकम इंडियन इनकम टैक्स एक्ट, सो वहाँ पर द टैक्स पेयर्स कैन डिडक्ट द प्रीमियम ऑल्सो फॉर हेल्थ इंश्योरेंस। सो वहाँ पर सेक्शन 80D आपको बेनिफिट ऑफर करता है टू रिड्यूस योर ओवरऑल टैक्सेबल इनकम। देन वी हैव सेक्शन 80C विच अलाउज डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट पेमेंट फॉर एन एजुकेशन लोन, इसीलिए एजुकेशन लोन, तो इसीलिए लोग एजुकेशन लोन भी प्रेफर करते हैं ताकि वो अपनी टैक्स लाइबिलिटी को कम कर सके। अगेन हाउस रेंट अलाउंस, रेंट पे रह रहे हो आप तो थोड़ा आप वो भी दिखा सकते हो और अपनी टैक्सेबल इनकम को कम कर सकते हो। सो हाउस रेंट अलाउंस अलाउज टैक्स पेयर्स टू डिडक्ट द एक्सपेंसेस फॉर स्टेइंग इन रेंटेड प्लेस फॉर एम्प्लॉयमेंट। अगेन डोनेशंस टू चैरिटीज और ऑर्गेनाइजेशन आर ऑल्सो एग्जेम्प्ट सब्जेक्ट टू लिमिट्स फॉर टैक्स पेयर। सो दिस इज अ जनरल व्यू ऑफ यू नो that you can save taxes, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो कुछ जनरल पॉइंट हैं जो मैंने डिस्कस किए। सो दैट्स इट अबाउट दिस लेक्चर वेयर वी हैव टॉक्ड अबाउट टैक्स प्लानिंग। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया है, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। सो द नेक्स्ट लेक्चर दैट वी आर गोना स्टडी अबाउट इज टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन। सो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसके बारे में बात करेंगे अगले लेक्चर में। टिल देन कीप स्टडीइंग।